नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में। और एक लंबे अंतराल के बाद हम सभी आपसे मिल रहे हैं, यानी कि मैं आप सभी से मिल रहा हूं। और एक नए आगाज के साथ, एक नई शुरुआत के साथ हम सभी आपसे मिलने वाले हैं इस नए सफर में। और जो 2025 जो भी विद्यार्थी हैं सोच रहे हैं कि मैं सीवीटी पीजी की तैयारी हिंदी माध्यम से करना चाहता हूँ, और बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आपकी तैयारी सुनिश्चित करने की गारंटी मेरी। जैसा कि पिछले वर्ष का पैटर्न है या उससे पिछले वर्ष का पैटर्न है, सीयूईटी अभी विगत 2-3 वर्षों से अपना पाठ्यक्रम करवा रहा है। और इस परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई के दौरान वो चाहते हैं कि तैयारी करें। इसके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं निराला 2.0 बैच, जिसके माध्यम से उद्देश्य यही रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, एमए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या कुछ लोग बीए में पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों का सपना होता है कि एमए किसी अन्य विश्वविद्यालय से भले कर रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि जेएनयू या बीएचयू या डीयू से वो पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए मैंने कह दिया एमए। और बीए में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, तो वो ऐसे विद्यार्थी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पूरी इस स्लाइड में, आज की इस पूरी वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप हिंदी इसमें और आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, केवल हिंदी एमए करके ही आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैं पीएचडी ही कर सकता हूँ। एमए हिंदी के बहुत सारे फायदे भी हैं, तो वो भी इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अब तक आप सभी ने मेरा साथ दिया, यूट्यूब चैनल ने, सीयूटी पाठशाला ने मेरा साथ दिया, आप सभी प्रिय छात्रों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और पिछले बैच में जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वो सभी किसी, कोई जामिया में है, कोई डीयू में है, कोई बीएचयू में है। एक जो श्रृंखला है, जो चयन की श्रृंखला है, वो बहुत लंबी है और उसका एक वीडियो अलग से अपलोड होगा, तो उसमें आप देखिएगा सीयूटी पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर भी। आज मैं बताने चाह रहा हूँ कि एमए हिंदी एंट्रेंस जो सीवीटी 2025 है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या रणनीतियां रहेंगी उसके अंतर्गत। ठीक है, पाठ्यक्रम की एक विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आज। ठीक है, आज के इस वीडियो में परीक्षा की रणनीति क्या होगी, प्रमुख पुस्तकें और पाठ्य सामग्री, चूंकि अब पाठ्यक्रम तो वही है जो 2024 में था, कुछ कुछ रणनीतियां हमको बदलनी होंगी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमको चार बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और हम उसके उत्तर करके आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को कई बार प्रश्न सही से क्रम लगाने वाले आ जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या फिर कौन से कथन सत्य है। अब कोई एक कथन आता नहीं है, उसमें 3-4 कथन आने लगे, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए वो रणनीतियां मैं बताऊंगा कैसे बचा जाए, कौन कौन से मेथड यूज करें। जो पाठ्य सामग्री है, जो आपको सिलेबस की सामग्री है, ठीक है, तो वो आप चाहे तो जो सीवीटी का, जो बीएचयू पाठशाला का ऐप है, वो टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं धीरे धीरे एक एक चीज पर आपसे बातचीत करूंगा, और बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। बीएचयू, डीयू, जेएनयू, किसी विश्वविद्यालय के लिए हिंदी माध्यम से आप पीजी करना चाहते हैं तो ठीक है। आइए तो हम शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह के। परास्नातक जो होता है, उसमें अर्हता अर्थात एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अर्हता का तात्पर्य है एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप 10+2, ठीक है, होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हिंदी से ही 12वीं पास हो, आप किसी भी विषय से 12वीं पास हो सकते हैं। स्नातक में आपका 50%+ अंक है, तो आप एकदम सिक्योर हैं। ठीक है, एमए हिंदी के लिए। और उम्र जो है 40 साल से कम होनी चाहिए। मेरे साथ ही कुछ ऐसे थे एमए कर रहे थे, जिन्होंने, उनको लगा कि मुझे एमए करके पीएचडी भी करना चाहिए, तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे मेरे छात्र जीवन में, अभी भी हैं, कि उनकी उम्र 30-35+ है, 40+ भी है, तो एमए के लिए 40 से कम होनी चाहिए। विशेष छूट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या जो सीवीटी पाठशाला का बैच है वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, और भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आपको CUET PG, ठीक है, एनटीए एग्जाम करवाता है, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है, और वहां पे जाके अधिक जानकारी के आप वहां विजिट कर सकते हैं। हालांकि जानकारियां तो मैं यहीं से आपको सारी जानकारियां दे दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें कि एमए हिंदी का पाठ्यक्रम का क्या रहा है। विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग सभी इकाइयों से, हमारे पूरे पाठ्यक्रम में कुल 7 इकाइयां हैं, इसको मैंने 7 भागों में विभाजित किया है। अगर आप देखेंगे कि हर एक विभाग से लगभग एक एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पैटर्न बहुत ही अलग है,
प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पियों में अब ये पूछा जाता है कि आपके पाठ्यक्रम से जो भी रचनाकार है उस काल के प्रतिनिधि रचनाकार कौन कौन से होते हैं। तो एक बार पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें लगी हुई। ठीक है, ये मैं 2025 मैंने लिख दिया है, ये 2024 के लिए भी था। ठीक है, और आप लोग पेपर कोड जो है, जो पेपर कोड से लेके और क्या क्या जानकारियां और भी हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो वीडियो। ठीक है, तो आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, काल विभाजन है, नामकरण है। ठीक है, आपको यूनिट वन में कितना पढ़ना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, नामकरण, कि किसने आदिकाल को क्या कहा, भक्ति काल को क्या कहा, रीति काल को क्या कहा, और नामकरण, वो नाम क्यों दिया, अगर आदिकाल का आदिकाल नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास ने आधुनिक काल को क्या कहा है, शुक्ल जी ने क्या कहा है। ठीक, तो इसके लिए कुछ पुस्तकें हैं जिसको मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अधिकांश सभी लोगों के पास एक किताब है, गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब है, लेकिन केवल इस किताब से काम नहीं चलेगा। पूछे क्यों, क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको एक विकल्प वाला सिस्टम चला गया है। ठीक है, अब आपको यदि प्रश्न के उत्तर देना है तो आपको गहराई से जानना होगा, और उसके लिए आपको दृष्टि की भी किताब है। ठीक है, और आप बीए चूंकि कर चुके हैं तो आपकी एक सामाजिक समझ, जो सामान्य सी समझ है, वो विकसित हो चुकी है, इसलिए मैं कहूंगा कि शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी आप सभी खरीद के रख लीजिए और उसको पढ़िए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो मैं एमए का बैच पढ़ाऊंगा उसमें मैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, जो जो प्रश्न बन सकते हैं, वो सब भी मैं इसमें कवर करवाऊंगा आप सभी का। ठीक है, दूसरे यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, तो ये जो भाग है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल में तो है ही, साथ ही साथ डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, बच्चन सिंह की किताब है, उन सभी किताबों का भी निचोड़ आपको इस पूरे बैच में मिलेगा। प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि जैसे आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन से हुए हैं, या भक्ति काल के कौन कौन से रचनाकार हुए हैं, या भक्ति काल में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, फिर इसके बाद वहां संत काव्य, सूफी काव्य, तो ये पूरी जो परंपरा है उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। अब मैंने यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक लिखा है, तो इसका तात्पर्य यही है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी 2000 जो ईस्वी है उससे पहले की सारी रचनाएं, उसमें आप हिंदी कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, डायरी, इतिहास, सब कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो आपकी सेकेंड यूनिट रहेगी। कौन सी यूनिट? सेकेंड यूनिट। ठीक, इसके बाद हमको हिंदी साहित्य की जो विविध विधाएं हैं, रचनाकार, इसमें हम पढ़ेंगे उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना। ठीक है, और इन सबको याद कैसे करना है, ये सारी ट्रिक्स पूरे इस बैच में आपको पढ़ाऊंगा, और गहराई से, क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं लगता है कि एनटीए जो नेट की परीक्षा होती है उससे अधिक गहराई से प्रश्न एमए के पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा कि जो सीबीटी का पहले पैटर्न था, जब शुरू शुरुआत में आया एनटीए, तो लगा कि ये तो बहुत ही हल्का प्रश्न पत्र है, लेकिन धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाया एनटीए ने, और अब पीजी की जो परीक्षा है वो बहुत ही स्तरीय परीक्षा है, अच्छे स्तर की परीक्षा है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, ठीक है, कि हमारे हिंदी का और क्या क्या प्रयोजन हो सकता है, खासतौर से एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, तो उसमें कैसे हम हिंदी को प्रयोग में ला सकते हैं। एक समय पे किसी ने कहा था कि जो हिंदी है वो प्रेम की भाषा है, ठीक है, और व्यवहार की भाषा है, वहीं जो अंग्रेजी है वो व्यापार की भाषा है, लेकिन वर्तमान में हिंदी को कैसे व्यापार की भाषा बनाया जाए या बनाने के क्रम में है, उसका जो वर्णन है वो प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप में हम लोग पढ़ने देखेंगे। इसके बाद जनसंचार माध्यमों में हिंदी, कि जनसंचार मीडिया का जमाना है, ठीक है, मीडिया में कैसे हम हिंदी को लाते हैं, जैसे बीबीसी हिंदी हुआ है, अधिकांश न्यूज चैनल्स जो है हिंदी में है, और उनमें एक खास काम होता है, वो होता है कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर, तो आपको कंटेंट ही नहीं पता होगा तो राइटर आप कैसे बनेंगे। ठीक है, तो कंटेंट राइटर का जो काम होता है वो हिंदी में आप कैसे करेंगे, वो आपको इस जो पांचवी यूनिट है उसके माध्यम से समझाया जाएगा। समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापनों की दुनिया में विज्ञापन कैसे छपते हैं, विज्ञापनों की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितने प्रकार के विज्ञापन होते हैं, विज्ञापनों में भी किन प्रकार के विज्ञापनों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन, देखिए रेडियो का तो जमाना गया, लेकिन रेडियो से क्वेश्चन बनते हैं कि रेडियो की शुरुआत कब होती है, और रेडियो में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चले हैं, आकाशवाणी कैसे ऐसे कार्यक्रम चले हैं जिसने हिंदी को प्रमोट किया है। ठीक है, और राजभाषा के लिए अलग से है,
टेलीविजन में हिंदी। इसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। अब देखिए भारतीय काव्य शास्त्र से आप पहली बार रूबरू होंगे। इस पूरे बैच में जो मैं निराला बैच पढ़ा रहा हूँ उसमें जो सबसे ज्यादा मैं जोर देना चाहता हूँ वो भारतीय काव्य शास्त्र पर है, क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। खासतौर से जिन लोगों की संस्कृत बहुत कमजोर रहती है तो वो लोग कहते हैं कि क्या है ये, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र। देखिए काव्य शास्त्र ऐसा होता है जो भारत में लोग बोलते हैं वो हिंदी है अधिकांशतः। उसमें जो कविताओं की रचना होती है वो हिंदी भाषा में होती है। तो कविताओं की रचना प्रक्रिया कैसे होती है, पहले कैसी रचना प्रक्रिया होती थी, अब कैसे होती है, उसमें कौन से अलंकार होते हैं, कौन से रस प्राप्ति होती है, वक्रोक्ति क्या है, ये सारी चीजें हम इस पाठ जो इकाई 6 में हम लोग समझेंगे। ठीक है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य के क्या उद्देश्य है, किस कारण से हम काव्य की रचना करें और क्यों करें। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम भारतीय काव्य शास्त्र इस 6वीं यूनिट में करेंगे। हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण का बहुत ही छोटा सा पोर्शन यूजीसी ने, नेट ने या एनटीए ने रखा है। ये संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास चार पर केंद्रित है, लेकिन संधियों, समास, काल और वाक्य विन्यास इनमें से इतना डीपली अंदर से प्रश्न पूछा जाता है, चार कथन दे देते हैं। क्या कहते हैं? चार कथन दे देते हैं, चार परिभाषा देते हैं कि दो शब्दों के मिल को संधि कहते हैं, समास कहते हैं, काल कहते हैं, या सामासिक काल किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं। चार परिभाषाओं में कह देगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी कथन सत्य हैं, तो उनमें से आपको बताना होता है। संधियों के प्रकार पूछेगा, समास के प्रकार, काल के प्रकार, किसके आधार पर काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के वाक्य विन्यास क्या होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो सभी के सभी मैं निराला बैच जो आने वाला है उसमें आपको पढ़ाऊंगा। एक एक करके धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी। आप सभी जब भी जुड़ना चाहें, आप जो सीवीटी पाठशाला चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। वहां पर मानस, MANAS मानस आप टाइप करके व्हाट्सएप नंबर पे भी यदि आप भेजेंगे और लिख देंगे निराला बैच, तो आपको वहां पे एक छूट भी, विशेष छूट आपको दे दी जाएगी। और हाँ, मैं हमेशा एक मुहिम चलाता हूँ, जो गरीब घर के बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज के गाँव से आते हैं वो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा कम से कम 5 सीट जो है अपने बैच में रिजर्व रखता हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अपने फीस नहीं दे सकते हैं, फीस तो बहुत कम फीस मैंने रखी हुई है इस बार, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें, अपनी पूरी कर सकें और आप अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में जा सकें। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि BHU की फीस या DU की फीस बहुत, मतलब बहुत कम है। BHU की फीस आप देखेंगे तो किसी का एडमिशन है तो 2500 से 2800, 2500 से 2800 आराम से हो जाता है, मतलब 3,000 रुपए तक में आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं। लोग, मैं भी जब पढ़ता था छोटा था तो मुझे अफवाह फैलाई गई कि भाई BHU जाते हैं तो BHU में फीस काफी महंगी लगती होगी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, क्लासेस हैं, तो वहां पर इतने बड़े शहर में जाना और फीस, रहना खाना बड़ा महंगा होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ बनारस में रहकर आप बहुत ही आसानी से कम प्राइस में आप जी सकते हैं, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, हर जगह आप चाहें तो अपनी, आपके पास योग्यता है तो आप उसके बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, उसकी पूरी रणनीति क्या रहेगी और पूरे पाठ्यक्रम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको एक बार देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, पाठ्यक्रम को समझना है, विश्लेषित करना है। कैसे करना है? विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से। अभी मैं कुछ दिन बाद एक PYQs की सीरीज लाऊंगा। देखिए PYQs जिसको भी चाहिए होगा वो BHU पाठशाला का ऐप है, वो डाउनलोड करें, वहां से आपको जो CVT PG हिंदी के जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, PG हिंदी में, ठीक है, वहां पे निराला लिखा होगा, निराला बैच, निराला बैच, वहां पर जाएंगे तो आपको PDF फॉर्मेट में सारे के सारे जो PYQ हैं, PYQ वो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पढ़ते समय उसे लिखते जाएं ताकि ज्यादा याद रहे। देखिए आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं, आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो ये जान लीजिए के पढ़ने के साथ साथ आप लिखते जाइए। मैं अगर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो आप लिख लीजिए। मैंने अभी पाठ्यक्रम बताया तो पाठ्यक्रम में मैंने कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आपको पढ़ने के लिए रख लेनी चाहिए, तो ये सब कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए जितना हो सकता है, और पर डे कम से कम उसके एक पूरा चैप्टर हो जाए तो उसका 1 से 2 पेज या 3 पेज आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे आप तो आजकल चिपकाने वाले आते हैं, दीवार में चिपका लिए जो चीज आपको याद नहीं होती है। हिंदी साहित्य में सीधे कि आपको याद करना है, रटना है, जो चीज ना समझ में आए आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां के माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते हैं। अभ्यास करें, प्रश्नों के उत्तर देते रहें, और उत्तर देते समय चारों विकल्पों को सामान्य रूप से एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आजकल एक मेथड चलता है, इलिमिनेशन मेथड, मतलब चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, चार विकल्पों में आपको ये पता चल जाए कि कौन सा गलत है। ठीक है, सपोजेड बी गलत है, ठीक है, यदि बी गलत है तो ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनमें बी गलत है, तो अधिकांश ऐसे दो विकल्प हो जाते हैं तो वो इलिमिनेट हो जाते हैं, आपको 2 में 50-50 चांस
करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि अध्ययन सामग्री, ठीक है, तो अध्ययन सामग्री को आप सीवीटी पाठशाला के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक और बड़ी बात मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक, वो ये है कि आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी परास्नातक हिंदी की तैयारी के लिए हैं, ठीक है, आपके सहयोग के लिए हम लोग निराला बैच, जो पिछली बार प्रारंभ बैच कुछ स्टार्ट में जो हुए थे, प्रारंभ बैच के नाम से मैंने स्टार्ट किया था, इसके बाद जब बाद में मैंने पढ़ाया तो निराला बैच के नाम से पढ़ाया, तो अब की बार निराला बैच फिर से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। जो भी इच्छुक हैं वो जो नंबर दिया गया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप करके लिख दीजिए CUET CVET PG हिंदी, ठीक है, ठीक है, CUET PG हिंदी, और 10 से 50 प्रश्न प्रतिदिन अभ्यास कराए जाएंगे, ठीक है। प्रश्नों से संबंधित कोई भी शंका होती है तो आपको चैनल के माध्यम से, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उसे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप जब हमसे जुड़ेंगे CVET पाठशाला के ऐप से, तो वहां से मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ पाऊंगा, ठीक है। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज के आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको MA में ही जाना है, CVET MA हिंदी से ही करना है, या फिर आप कुछ और भी करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CVET हिंदी में, ठीक है, कैसे CVET हिंदी में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो पहली चीज के आप RO ERO का फॉर्म आता है, ठीक है, RO ERO का फॉर्म आता है, उसमें हिंदी का इतना ज्यादा वेटेज होता है, बस आप याद रखिएगा कि आपका BA में हिंदी के साथ इंग्लिश भी हो, क्या हो, हिंदी प्लस इंग्लिश हो, ठीक है। दूसरा दूसरा हम क्या बताने वाले हैं कि जो बैंकिंग आती है, बैंक, ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूँ IBPS IBPS, ठीक है, PO एक के पद निकलता है, उसमें एक होता है परीक्षा जिसमें हिंदी को वेटेज मिलता है, ठीक है। तीसरा तीसरा यह है कि अगर आप PGDT कर लेते हैं, PGDT, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन का डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, तो अगर आप PGDT कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, तो आप एक ट्रांसलेटर के तौर पर भी आप अपने आप को देख पाएंगे। चौथा क्या है, अगर आप हिंदी आपको अच्छे से आ रही है, आपने BEd कर रखा है, तो उनके लिए तो वरदान है, ठीक है, उसमें आप TGT PGT, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप क्रैक कर सकते हैं। और छठवीं बात ये, यदि आपको हिंदी आ रहा है तो आप सबसे ज्यादा संवेदनशील प्राणी हैं। मैंने देखा है कि जो हिंदी के विद्यार्थी होते हैं, हिंदी पढ़ने वाले होते हैं, उपन्यास कहानी, उनके अंदर संवेदना भर भर की होती है, ठीक है। तो ऐसे प्राणी जो इस धरा पर है बहुत कम मिलते हैं, उनमें से आप सभी भी हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, CVET पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी इस पूरी यात्रा में मेरे साथ साथ देंगे, ठीक है। CVET हिंदी की तैयारी करने के लिए आप सभी मुझसे जुड़ेंगे, और इस उम्मीद के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात करता हूँ, एक नए नई सोच के साथ, नए व्यक्तित्व धारा के साथ, और आप सभी के प्यार के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।